घाटकोपर इलाका बेहद रिहायशी इलाका है और ऐसे में वहां पर ये क्रैश हुआ, कितने देर पहले ये क्रैश हुआ है और किस तरह की स्थिति है? ब्रजमोहन जी, उदय नगर है, एयरपोर्ट के जस्ट पहले जहाँ से लैंडिंग पॉइंट है वो सर्वोदय नगर है, वहीं एक उत्तर प्रदेश सरकार का जो है प्लेन क्रैश हुआ है जी। अभी जो मेरे को सूचना मिली कोई एक आदमी डेथ हुई है उसमें, लेकिन पूरा डिटेल आया नहीं है, 10 से 15 मिनट में सारे डिटेल्स आए हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। हेलो जी जी जी, लेकिन हाँ, जी, जी क्या जानकारी निकल कर सामने रही, क्या वजह रही होगी? अब ये वहाँ पर तकनीकी जो सरकार के जो पुलिस और प्रशासन के सारे लोग अभी घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं, अभी उन लोगों को भी पता नहीं है कि क्या हुआ है, अभी जस्ट प्लेन हुआ क्रैश हुआ, हम क्योंकि आसपास के इलाके में रहते हैं इसे मेरे को सूचना मिली, ये तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अभी 10 से 15 मिनट वेट करने पड़ेंगे कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम था या क्यों क्रैश हुआ है, लेकिन लैंडिंग पॉइंट से जस्ट जो है पहले ही घाट टूटना पड़ता है, वहाँ क्रैश हुआ, कौन कौन लोग उसमें सवार थे, उत्तर प्रदेश सरकार का प्लेन है, उसमें कौन अधिकारी थे या कोई नेता था, इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, अभी जांच का विषय है और अभी वहाँ घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन और बाकी लोग पहुंच रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर में इसकी विस्तृत जानकारी मिल सकती है। अच्छा, एक आखिरी जानकारी लेना चाहेंगे ब्रजमोहन जी आपसे, ये भी जानना चाहेंगे क्या यूपी सरकार का जो चार्टर्ड प्लेन है ये मुंबई में ही रहता है? ये वही बताए कि ये आपको जांच का विषय है, अभी डिटेल्स जानने के लिए आपको 10 से 15 मिनट इंतजार करने पड़ेंगे कि ये प्लेन कहाँ से लैंड करके चेक ऑफ करके कहाँ लैंड करने वाला था या मुंबई में रहता था, ये 10 से 15 मिनट में जब अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और चीजों की जांच पड़ताल होगी तो पता चल पाएगा कि एक्चुअल हुआ क्या था। और रिहायशी इलाके में गिरा है क्या ये? हाँ बिल्कुल, सर्वोदय रिहायशी इलाका है और मोस्टली जो झोपड़पट्टी इलाका है, मेरे को लगता है कि यदि प्लेन किसी घर पर गिरा होगा तो वहाँ भी कुछ डैमेज की होगी, 10 से 15 मिनट वेट करिए, 10 से 15 मिनट में सब हो जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ब्रजमोहन जी और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, और तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहीं की, यूपी सरकार का चार्टर्ड प्लेन था जो क्रैश हुआ है, रिहायशी इलाके में गिरा है, फिलहाल ताजा जानकारी जो मिल रही है वहां पर ये कि फिलहाल एक व्यक्ति की मौत हो गई है, इस तरह की अभी प्राथमिक जानकारी मिल रही। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ब्रजमोहन जी, ब्रजमोहन जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अभी घाटकोपर पुलिस स्टेशन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, अभी हमारी जो स्थानीय प्रशासन से बात हुई है हम घटनास्थल पर पहुंच गए, लोकल पुलिस स्टेशन घाटकोपर पड़ता है, घाटकोपर में वहां के पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा कि अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं चीजों को समझ करके मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि क्या हुआ है, और तमाम लोग आसपास के लोग काफी इकट्ठा हो गए हैं वहां पर, लेकिन क्योंकि वहां पर लोकल पुलिस पहुंची हुई है इससे आसपास जाने नहीं दे रही है, इसलिए लोग पता नहीं चल रहा है कि अंदर कौन कौन थे और कितने लोग बचे हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है वहां पर, वहां से निकाल करके कितने लोगों को बाहर निकाला गया, कितने लोग अंदर थे, कितने लोग सवार थे, ये सब पुलिस प्रशासन पहुंच रहा है, और मैं आपको बताया ना कि 10 से 15 मिनट में जब सारी चीजें पहुंच जाएंगे लोग तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कितने लोग सवार थे और प्लेन क्रैश हुआ था कैसे हुआ, क्या स्थिति थी और क्या अभी उसमें जो है कितने लोग कैजुअलिटी हुई है, और ये क्या किसी बिल्डिंग पर गिरा है या झोपड़पट्टी भी वहां पर है घाटकोपर में वहां पर उनके ऊपर गिरा है? झोपड़पट्टी किसी लोग मैदान है, कोई छोटा सा मैदान वहां पर गिरा हुआ है, एग्जैक्ट की इलाका बिल्डिंग का भी है और झोपड़पट्टी का ही एक कोई छोटा सा मैदान है वहीं का आसपास गिरा हुआ है, और ये काम का हमको जो स्थानीय लोगों ने सूचना दी इसमें कोई एक व्यक्ति की मृत्यु की बात मरने की बात कर रहे हैं जी, लेकिन पूरी डिटेल अभी आया नहीं है। और हम तो ये भी देख रहे हैं जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां मौसम बिगड़ा हुआ है, बारिश लगातार हो रही है, तो क्या प्राथमिक वजह ये मान ली जाए कि कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम इस मौसम की वजह से भी आई होगी? मौसम इस तरह का तो नहीं है कि टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन निश्चित तौर से बादल आसमान में बादल है और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, हो सकता है कि मौसम का एक कारण हो सकता है, लेकिन एक बात है कि लैंडिंग पॉइंट पर सब लाइट है, वहां से 5 मिनट के अंदर ही जो है एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है, निश्चित तौर से लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हुआ जी। और क्या ये बारिश की वजह से मौसम जो बिगड़ा है इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई अवरोध आ रहा है, बाधा तो नहीं बन रहा है मौसम? मुंबई में इतनी बारिश नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन झोपड़पट्टी इलाका है वहां तक पुलिस को पहुंचना, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचना, सारे अधिकारियों को पहुंचना कोई सी दिक्कत होगी, लेकिन बारिश की वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी जी। और फिलहाल ये भी आपसे जानना चाहिए कितनी ऊंचाई इसकी बताई जा रही थी, कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा था, कैसे ये हुआ प्लेन क्रैश, इसके लिए ब्रजमोहन जी को जानकारी? अभी एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि हम बिना जांच पड़ताल किए कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जस्ट घटना आधे घंटे पहले की है और जब तक चीजों को हम जांच पड़ताल कर नहीं कर लेंगे
हम कोई अधिकृत स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। अगर स्थानीय लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि लैंडिंग पॉइंट है, इसमें एयर प्लेन आते जाते रहते हैं, ये अचानक प्लेन जो है अचानक नीचे आके गिर गया। और जो उत्तर प्रदेश में दर्शक देख रहे हैं भारत समाचार को, उनको बताइए ब्रजमोहन जी, ये घाट गोपर इलाका कितना संकरा इलाका है और जहाँ ये क्रैश हुआ है वहाँ कितनी घनी आबादी है? नहीं, ये घाटकोपर इलाका बहुत ही संकरी आबादी है और मिक्स बस्ती है, बिल्डिंगें भी हैं और झोपड़पट्टी भी है और ये एयरपोर्ट से लगा हुआ इलाका है जी। तो मोस्टली वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंगों को परमिशन नहीं है, एक वहाँ पर चार माले पांच माले की बिल्डिंगें हैं और बाकी सब झोपड़पट्टी इलाका है। तो वो पूरी तरह से रिहायशी इलाका है घाटकोपर में और बड़ा संकरी और घनी बस्ती वाला इलाका है। और जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद आग भी लगी थी, जैसे कि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई वहां पर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्दी ही उस पर काबू पा जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इस पर काबू, क्योंकि छोटा प्लेन था, कुछ ज्यादा उनको कंट्रोल करने में परेशानी नहीं, परेशानी ये है कि इसमें जो लोग सवार थे कैजुअलिटी कितने लोग हुई, कौन कौन लोग सवार थे, जिस पोजिशन में, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी प्लेन क्रैश होने के बाद उस पर कंट्रोल करना पुलिस के लिए कोई बड़ी चुनौती की बात नहीं है। खराब है लेकिन इतना खराब नहीं है कि उसको रेस्क्यू नहीं किया जी। और हड़कंप भी मचा हुआ है इलाके में, लोग डरे और सहमे भी होंगे? बिल्कुल, हमेशा ये चिंता बनी रहती है क्योंकि हमेशा वो प्लेन वहीं से लैंड करता है, तो ये हमेशा भी लोगों का, स्थानीय लोगों के में डर बना हुआ है, क्योंकि कल भी एक नासिक में एक विमान क्रैश कर गया था और आज मुंबई में हो गया। इस तरह की घटनाएं, तो स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी कोई, आज तो छोटा प्लेन था, कोई बड़ा प्लेन होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लोगों का यही है कि छोटा प्लेन था इसलिए घटना छोटी है, यदि कोई बड़ा प्लेन क्रैश करता तो स्थानीय लोग, मतलब आसपास के लोगों के बस्तियों में तमाम लोग रहते थे, उनको उनका भी काफी जन और धन की हानि हो सकती, क्योंकि एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ है जैसा कि आप बता रहे हैं घाटकोपर इलाका। क्या पहले भी इस तरह का कोई प्लेन क्रैश हुआ है यहाँ पर? मेरी जानकारी के अनुसार तो अभी तक तो ऐसा कुछ घटना नहीं हुई है, लेकिन ये एयरपोर्ट जो है बड़ा बड़ा कंजेस्टेड है, कई बार ऐसा होता है कि लैंडिंग पॉइंट में परेशानी होती है, प्लेन आकर के आकाश में उतर से 5 से 10 मिनट, इतनी एयर ट्रैफिक है यहाँ मुंबई में जी, एयरपोर्ट को इतना कंजेशन है कि प्लेन आने के बाद से 10 से 15 मिनट उसको हवा आकाश में उड़ना पड़ता है, तब जाके लैंडिंग की परमिशन मिलती है। मेरे को लगता है कि ये भी एक परेशानी हो सकती है कि लैंडिंग को उसका परमिशन न मिला हो और वो पायलट की कोई गलती से इस तरह की घटना हो गई हो। अगर कोई और प्लेन होता तो समझा जा सकता था कि आम जनता हो सकती है, लेकिन चार्टर्ड प्लेन का मतलब कोई ना कोई वीआईपी या वीवीआईपी हो सकता है ब्रजमोहन जी, इसमें किसी मंत्री या किसी बड़े अधिकारी को शिरकत करनी हो, कुछ होने वाला हो आज या कल में? सरकार में शामिल मंत्री हो सकते हैं, सरकार के अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल टूर पर ये फ्लाइट आया होगा। अच्छा ब्रजमोहन जी, आपको जानकारी कोई कि मुंबई में कोई कार्यक्रम होने वाला हो यूपी सरकार का, जिसमें किसी मंत्री या किसी बड़े अधिकारी को शिरकत करनी हो, कोई होने वाला हो आज या कल में? जी मैं जानकारी तो नहीं है कि सरकार का या कोई भी कार्यक्रम हो सकता है कि ना कि कोई प्राइवेट मीटिंग के लिए अधिकारियों के डेलीगेशन आते जाते रहते हैं जी, इस तरह की कोई, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम था नहीं मेरी जानकारी के अनुसार। और फिलहाल अब ताजा स्थिति क्या बताई जा रही है, जो आपके पास जानकारी इकट्ठा हुई है कि क्या आग पर काबू पा लिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है? नहीं, आपको बोला था कि उस पर आग पर काबू पा लेना कोई बड़ी चुनौती नहीं है जी। सबसे बड़ी वजह की घटना के बाद जो उसमें कैजुअलिटी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग सवार थे और उसमें कितने किसकी डेथ हुई है, कितने लोग को बचाया जा सके, ये इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन लोग सवार थे ये इंपॉर्टेंट है, पायलट कौन था जी, बाकी वो घटना होने के बाद उस पर काबू पड़ना कोई बड़ी बड़ी चुनौती नहीं है जी। और क्या घायलों को अब तक अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई? क्योंकि तकरीबन पास में कई अस्पताल हैं, वहां से घायलों को निश्चित तौर से अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन कितने लोग अस्पताल ले गए ये एक्चुअल जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, आपको 10 से 15 मिनट इसके लिए इंतजार करना होगा। और एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहेंगे ब्रजमोहन जी, तमाम जो आला अधिकारियों की बात की जा रही है, कौन कौन आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुका है और एयरपोर्ट के प्रबंधन की तरफ से कौन कौन पहुंचा अब तक? अभी एयरपोर्ट प्रबंधन के तरफ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, लोकल पुलिस स्टेशन घाटकोपर के अधिकारी तक पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि सारे प्रशासन एयरपोर्ट के अधिकारी भी जल्दी पहुंचने वाले हैं जी। तो अब बने रहिए हमारे साथ ब्रजमोहन जी। और यूपी सरकार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ है, अब तक जो सूचना निकलकर सामने आ रही है उसमें एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है और जो घायल है धीरे धीरे करके उनको पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, फिलहाल आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजमोहन पांडे जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि जो आला अधिकारी है वो तो मौके पर पहुंच गए, लेकिन जो पास में ही एयरपोर्ट है
घाटकोपर के बिल्कुल सटा हुआ एयरपोर्ट है, वहां के अधिकारी अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं, ना ही वहां कोई कर्मचारी पहुंचा है, ना ही कोई टेक्निकल टीम वहां पर पहुंची है। यानी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, अभी भी स्थिति साफ नहीं कितनी कैजुअल्टी हुई है। ये तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी ब्रजमोहन जी, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्या लग रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक खत्म हो जाएगा? अभी क्या ऐसा है कि एयरपोर्ट अधिकारियों को पहुंचने में दिक्कत है कि एयरपोर्ट का बैक साइड है, आगे का साइड जो है जहां से एंट्रेंस है एयरपोर्ट का, वहां से अधिकारियों को आने में बाबी मतलब घनी बस्ती और बड़ा ट्रैफिक का रूट है, वहां से अधिकारियों को आने में कम से कम घंटा लगे, आधा घंटा पहले घटना हुई है। मेरे को लगता है कि अभी 10 या 15 मिनट और लगेंगे अधिकारियों को, जब तक टेक्निकल टीम नहीं पहुंचती वहां तक तब तक ये फाइंड आउट नहीं किया जा सकता कि घटना क्यों हुई और कैसे हुई। और जो चार्टर्ड प्लेन की हम लगातार बात करें जो क्रैश हुआ है, क्या इनके लिए कोई अलग रनवे बनाया गया है या ये अमूमन जिस पर नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानें भरी जाती हैं प्लेन की वहीं उतरते हैं ये? नहीं, रनवे तो एक ही है लेकिन इनका इंट्रेंस गेट आता है, एक आठ नंबर का गेट एक है जो वीआईपी के लिए, मुंबई एयरपोर्ट में 8 नंबर का गेट है, वहां से वीआईपी मूवमेंट होता है। सारे चार्टर्ड प्लेन यहीं से एंट्री होती है और यहीं से वीआईपी आते और जाते हैं। मेरे को लगता है कि ये भी प्लेन जो है एयरपोर्ट में 8 नंबर के गेट से ही निकलने वाला था, लैंडिंग वही होती है लेकिन पार्किंग आकर के गेट नंबर 8 होती है, वीआईपी का जो गेट यहीं से होता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी और ब्रजमोहन जी, कि ये प्लेन लैंड करने के लिए इंतजार कर रहा था तब ये क्रैश हुआ है या इसने अभी अभी उड़ान भरी थी? मैं अपने अनुभव का आधार बता सकता हूँ कि लैंडिंग में यहाँ प्रॉब्लम है, कंजप्शन बहुत है और आपने बताया कि आप देखा भी करके मौसम भी थोड़ा गड़बड़ है जी। तो कभी कभी प्लेन को लैंडिंग में बड़ी परेशानी होती है, एयर ट्रैफिक का सिग्नल नहीं मिलता। मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्लेन जो है उसको परमिशन नहीं मिला होगा और प्लेन अचानक नीचे आकर के फिर उसे चेकअप करने की पोजिशन में नहीं होगा और लैंड क्रैश कर गया होगा। ऐसे में टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, जर्नलिस्ट, मैं आपको अनुमान लगा रहा हूँ कि क्योंकि मैं अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर फ्लाइट आने के बाद 10 से 15 मिनट जो है उसको आकाश में घूमना पड़ता है क्योंकि कंजप्शन ज्यादा, एक ही लैंडिंग का कलर की रनवे है और उसी में टेक ऑफ भी है और लैंडिंग भी है तो बड़ी तकलीफ होती है। हमको लगता है कि कोई ना कोई उसमें टेक्निकल बाधा आई होगी, उसमें वो क्रैश कर गया। क्या ये किसी बिल्डिंग से तो नहीं टकराया? क्योंकि हमें याद है कि दिल्ली में भी जब एयरपोर्ट पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तो आसपास के लोगों ने इसी बात को लेकर आपत्ति जताई थी, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये तमाम चीजें हैं, वो विवाद सामने आया था। क्या यहाँ पर भी ऐसा कोई विवाद या फिर ये बिल्डिंग से टकरा गया हो? नहीं नहीं, यहाँ पर जो एयरपोर्ट में जो लैंडिंग पॉइंट है, जो चेकअप पॉइंट है, वहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, एक लिमिट से ज्यादा ऊंचाई पे बिल्डिंग बना नहीं सकते। उसके लिए आप एयरपोर्ट के आसपास की जितनी बिल्डिंगें होती हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है, एक लिमिट है, इसकी ऊंचाई से ऊपर नहीं जा सकते। इसे प्लेन बिल्डिंग से टकरा के गिरने का कोई चांस नहीं है, ये तकनीकी खामी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। जी ब्रजमोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर माधव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। माधव जी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि यूपी सरकार का प्लेन चार्टर्ड प्लेन था और क्रैश हो गया घाटकोपर इलाके में। देखिए, चार्टर्ड प्लेन था किंग एयर का और इसमें 5 लोग बैठ सकते थे, 5 अधिकारी और 2 क्रू मेंबर्स बैठ सकते थे, यानी 7 लोग कुल टोटल इसमें हो सकते हैं। अभी कुछ जानकारी मिल नहीं पाई है कितने लोग इसमें थे, लेकिन फिलहाल जो बता रहे हैं हम कि जो कैपेसिटी थी इस फ्लाइट की उसमें 5 लोग पैसेंजर चढ़ सकते थे और 2 क्रू मेंबर्स। आगे हम बताएं कि ये 1:13 पर यह हादसा हुआ है और ये कहाँ हुआ है वो एग्जैक्टली हम बताते हैं गूगल अर्थ मैप के जरिए। ये मैप है, इसके जरिए हम बताते हैं कि ये महाराष्ट्र का ये एरिया था जिसमें ये मुलुंड के पास एक एरिया है आपका घाटकोपर के पास, यहाँ पे ये एरिया दिख रहा था कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे अचानक से क्रैश हुआ है। अभी ये पता चल पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये था सर्वोदय नगर में, जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें सर्वोदय नगर में ये हादसा हुआ है और वहाँ पे ये प्लेन गिरा है। तो हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये कहाँ पे है, तो मुलुंड वेस्ट में ही आ रहा है सर्वोदय नगर जी। ये देखिए, ये वो एरिया है जो रिहायशी एरिया है और इसमें बहुत कंजेस्टेड, सब काफ़ी कंजेस्टेड है और इसमें विमान कहीं गिरा है, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो आसपास यहाँ पे कहीं गिरा है। और यहाँ पर ये एरिया जो है ये काफ़ी कंजेस्टेड है, रिहायशी इलाका है, बड़ी बड़ी कुछ बिल्डिंगें हैं, कुछ जो है छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, इसके पास आसपास में कुछ झुग्गियाँ हैं जिनके पास जाकर ये विमान गिरा है। फिलहाल एक और जानकारी मिल रही है कि इसमें से एक जलता हुआ शख्स बाहर निकला है और हो सकता है, अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें ये कि एक शख्स की इसमें मौत हुई है।
जी माधव जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मुख्य तौर पर, जो भी आपने मैप के जरिए समझाया, ये बिल्डिंग पर गिरा है प्रॉपर या फिर वहां पर जो खाली जगह भी देखने को मिल रही है, मैदान भी देखने को, वहां गिरा है ये? अभी बिल्डिंग पर कोई असर नहीं दिख रहा है, बिल्डिंग पर नहीं गिरा है ये विमान बिल्डिंग के जस्ट बगल में गिरा है। कुछ टेक्निकल खराबी हुई होगी या फिर मौसम की खराबी की वजह से क्रैश हुआ है, ये सब अब कुछ आगे जो है जांच का विषय है। इसका ब्लैक बॉक्स निकाला जाएगा, उसमें पता किया जाएगा कि आखिर ये एक्सीडेंट क्यों हुआ और किस तरह से ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नज़रों से बच गया या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जो संपर्क में था और उसी दौरान में यह हादसा पेश आया। और ये बताया जा रहा है कि 1:13 पर यह हादसा हुआ है जी। जिस श्रेणी का ये चार्टर्ड प्लेन है, अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कितनी बड़ी जनहानि हो सकती है, ये थोड़ा समझाइएगा माधव जी। देखिए, इसमें 2 टर्बो इंजन लगे होते हैं इस जी। माधव जी बने रहिए हमारे साथ, इसी बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे पास आ रही है। ये देखिए, ये पुर्जे जो चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ है उसके अवशेष देखने को मिल रहे हैं, क्षतिग्रस्त हुआ है पूरी तरीके से। जैसे ही क्रैश हुआ इसमें आग लग गई और उसके बाद के ये तमाम उसके पुर्जे, उसके अवशेष इधर उधर बिखर गए। यानी आप समझ सकते हैं कि ऊंचाई अच्छी खासी रही है इस चार्टर्ड प्लेन की, एकाएक नीचे गिरा और बिखर गया पूरी तरीके से, एकाएक इसमें आग लगी है। फिलहाल उस पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी, और हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर लगातार जुड़े हुए माधव तिवारी जी। माधव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जो इसका साइज है, जो इसकी श्रेणी है, उसके आधार पर क्या अनुमान लगाया जाए अगर ये किसी ऐसे घने इलाके में, घाट कूपर जैसे इलाके में गिरता है तो बड़ी जानहानि हो सकती है क्या? देखिए प्राज्वल, एक बड़ी खबर आ रही है कि अब तक जो है यूपी सरकार के ये हाथ में, उसे कंट्रोल में नहीं था ये, और ये यूपी सरकार इस विमान को ऑलरेडी बेच चुकी थी और ये किसके हाथ में है फिलहाल ये पता किया जा रहा है। और फिलहाल ये जो खबर आ रही है कि यूपी सरकार से रिलेटेड अब ये विमान नहीं था, उस पर यूपी सरकार का लोगो लगा हुआ है जो कुछ चैनल्स द्वारा और कुछ मीडिया ग्रुप द्वारा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये यूपी सरकार ऑलरेडी इस प्लेन को बेच चुकी है। यानी कि उस प्लेन में यूपी सरकार से जुड़े अधिकारी या कर्मचारी उसमें सफ़र नहीं कर रहे थे, ये तय माना जा रहा है। और इसमें अब कितने लोग हैं और क्या आगे का अपडेट है, अभी ये जांच का विषय, अभी देखा जा रहा है वहाँ पे मौका वारदात पर कि क्या हुआ है, वहाँ पर घटनास्थल पर देखा जा रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ है और किस तरह से विमान का हादसा हुआ है और उसके बाद उसमें से कितने लोगों को बचाया जा सका या फिर कितने लोगों की उसमें डेथ हुई है। माधव जी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है सरकार विमान बेच चुकी है। ये सरकार ने विमान किसी दूसरी सरकार यानी मुंबई सरकार को या किसी महाराष्ट्र सरकार को या किसी और राज्य की सरकार को बेचा है या कि प्राइवेट बेस को सेल किया गया था, ये अभी पता नहीं चल पाया है कि ये किसी सरकारी डील में गया है या फिर ये प्राइवेट डील में गया है। मतलब सरकार ने इसको बेच दिया, अभी शुरुआती जानकारी यही है कि यूपी सरकार इस विमान को बेच चुकी थी जी। और साथ ही अभी जानना चाहेंगे क्या कुछ और जानकारी आपके पास आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्योंकि आपने 1:13 का वक्त बताया नहीं, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ निकलकर खबरें बाहर आई? अभी जो खबर आई है वहां से कि 4 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं और वहां पर आग को काबू किया गया है। अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कितनी बॉडीज निकल रही हैं ये अभी देखना बाकी है। हालांकि शुरुआती जानकारी ये मिली है कि एक व्यक्ति की उसमें मौत हो चुकी है और अभी एक और इन्फॉर्मेशन आई है कि इसमें 4 लोग सफ़र कर रहे थे, 4 पैसेंजर इसमें सफ़र कर रहे थे जी। और क्या अभी तक यूपी सरकार की तरफ से कोई ट्वीट किया गया हो, इस मामले में कोई जानकारी दी गई हो, साझा की गई हो? अभी फिलहाल यूपी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि इसमें यूपी सरकार का फिलहाल, ये यूपी सरकार के हक में कोई विमान नहीं था और विमान फिलहाल यूपी सरकार बेच चुकी थी, इसलिए यूपी सरकार से रिलेटेड नहीं था। तो हो सकता है कि यूपी सरकार इस पर कोई ट्वीट न करे, लेकिन फर्दर जानकारी के लिए अभी मुंबई से कुछ और अपडेट्स आने बाकी हैं। अच्छा, एक आपसे प्रक्रिया भी जानना चाहेंगे, जब अगर इस तरह से प्लेन बेच दिया जाता है तो उस पर यूपी सरकार का लोगो कर क्या रहा था, यानी अनैतिक तौर पर लोगो लगा रखा था किसी ने भी? हाँ, ये हो सकता है कि उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो लगा है वो अनैतिक था, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि अभी एक प्लेन का हादसा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है और उस पर अभी आगे की जानकारी हम देंगे आगे कि आगे अपडेट क्या आएगा जी। और माधव जी, एक बार और आपको आपसे कहेंगे कि एक बार फिर मैप के जरिए एक बार दिखाइए, वो इलाका दिखाइए जहां पर ये बिल्डिंग्स के बीच में एकाएक हादसा होता है, अफरा तफरी और चीख पुकार। देखिए, जो मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर एक है जी, बगल में एक विद्यालय है, बगल में एक मस्जिद भी है और ये जो एरिया है पूरा आप देख सकते हैं, ये
इधर झुग्गी झोपड़ी है सारी जी, ये आप देखिए सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, और यहाँ आसपास में कुछ बिल्डिंग्स भी हैं, ये ऊंची इमारतें भी हैं यहाँ पर, और ये इधर छोटी कॉलेज भी हैं और ऊंची इमारतें भी हैं, इन्हीं मिक्स मतलब मिक्स एक पॉपुलेशन वहाँ रहती है, एक आबादी जो है वहाँ पे मिक्स आबादी रहती है, और इसमें कहीं प्लेन जो है गिरा है और वो किसी एक बड़ी बिल्डिंग के एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे गिरा है, उस ऊंची बिल्डिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अभी ये पता करना है कि ये कहाँ गिरा है, और वहाँ पे अभी फिलहाल चार दमकल गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए माधव तिवारी जी। और प्लेन क्रैश में अब तक दो लोगों की मौत, दर्दनाक हादसा, प्लेन क्रैश में अब तक दो लोगों की मौत हुई है। मुंबई के घाटकोपर में ये प्लेन क्रैश हुआ है, चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ है, और अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें दो लोगों की मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक हादसा, घाटकोपर इलाका, संगरी गलियां पूरी तरह से व्यस्त इलाका है, और आपको बता दें कि अच्छी खासी जनसंख्या यहां पर रहती है।